उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने के तुरंत दूसरे दिन जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने चुनाव को लेकर अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर साफ संदेश व्यक्त किया कि किसी भी हाल में लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। वहीं अराजक तत्वों एवं सोशल मीडिया में उन्माद फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। जो भी लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी फैलाएगा उसे सख्ती से निपटा जाएगा। घोसी सत्तर घोसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाता की संख्या 16,17,780 है, जिसमें पुरुष मतदाता 8,67,227, महिला मतदाता 7,50,469 है। इसके अतिरिक्त ट्रांसजेंडर्स अन्य मतदाता जो है हमारे वो 84 हैं। कुल मतदान केंद्र हमारे पास 893, कुल बूथों की संख्या जो है 1,754 है। इस निर्वाचन को संपन्न करने के लिए संसदीय क्षेत्र जो 4 विधानसभा क्षेत्र हमारे जनपद में आती है उसमें 113 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं, 11 जोन मजिस्ट्रेट्स की, और साथ ही साथ मास्टर ट्रेनर 50 लगाए गए हैं जो कि वर्तमान में स्वीप कार्यक्रम चला रहे हैं, या कभी कहीं कोई वीवीपैट हाथ के हैंडलिंग कोई दिक्कत आती कभी तो उसको तत्काल अटेंड करने के लिए जो टीमें बनाई जाएंगी उनमें लगाए हैं। इस जनपद का जेंडर रेशियो जो है गत चुनाव में 844 था, उससे बढ़ करके 865 इस बार हो गया है, और ईपी रेशियो जो है हमारे जनपद में जनसंख्या के सापेक्ष इलेक्टर रेशियो जो है वो 64.04 है। सर मशीनें कितनी चलाते हैं, उनको लेकर क्या कार्रवाई करेंगे, उसके विरुद्ध जो बिल स्थापित व्यवस्था उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। सर इस बार ईवीएम में कुछ खास है, वो जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया है, वो क्या है सर, वो क्यों लगाया है? इसलिए दिया गया है कि जैसे किसी जनपद से पोलिंग मशीन वीवीपैट यहाँ आता है जी, तो वो जीपीएस के साथ आएगा जिससे कि उसका रास्ते की पूरी रूट से आ रहा है या कोई डाइग्रेशन तो नहीं है, इसकी इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट मॉनिटरिंग करता है, जिससे कि इसके प्रति जो संवेदनशीलता मतदाताओं में है या पोलिटिकल पार्टीज में है वो बनी रहे और इसको इतना सघनता से मॉनिटरिंग किया जाए जिससे कोई भी दुरुपयोग हाथ के जो लोग शिकायतें करते हैं वह रोका जा सके। सर काउंटिंग कहाँ होगी मतदान को लेकर? आम जनता से हमारी अपील है, जैसे हम बागी त्योहार और पर्व मनाते हैं उसी प्रकार से इस लोकतंत्र के पर्व को उसी उत्साह उसी उल्लास से मनाएं और अपनी प्रतिभागिता इसमें बढ़ाएं और सभी लोग इसका इसमें शामिल हों, अपना योगदान। थैंक यू।